दोस्तों ये देखिए हमारा मंदिर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर रजनी पांडे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ अच्छे हैं। और मैं बना रही हूँ आलू, मतलब आलू फ्राई कर रही हूँ, साबुदाने की खीर बना रही हूँ। तो ये सब मैं फिर बाद में मिक्स कर दूँगी, मतलब आलू जो फ्राई कर रही हूँ उनको मैं साबुदाने की खीर में मैं मिक्स कर दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, ये अच्छी तरह फ्राई जाएंगे ना, तो फिर मैं बनाऊंगी साबुदाने की खीर। दूध उबला है, साबुदाना भिगाए हुए 1 घंटा हो गया, तो फिर डालूंगी साबुदाना। तो दोस्तों मैंने तैयारी कर दी है खीर बनाने की। तो आलू तो फ्राई कर ही रही हूँ, आपको दिखाया मैंने, और साबुदाने की तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। साबुत इलायची, इसको अभी कूटूंगी फिर डालूंगी। बादाम कट कर दिए हैं, किशमिश, चीनी, और ये साबुदाने भिगोए हुए 1 घंटा हो गया है। तो कढ़ाई में घी डालूंगी, फिर स्टार्ट करूंगी मैं साबुदाने की खीर बनाना। तो आलू यहाँ फ्राई हो रहे हैं, तो मैं बनाती हूँ साबुदाने की खीर। मैं कढ़ाई सूख गई है तो मैं डाल लूँ इसमें घी। घी डाला मैंने 1.5 चम्मच के बराबर, और घी पकने के बाद दूध डालूंगी। अब डालूंगी इसमें साबुदाना। साबुदाना पहले थोड़ी देर घी में पकाऊंगी इसको। 2-3 साबुदाने को 2-3 बार अच्छी तरह धो भी दिया था। अब साबुदाना पकाऊंगी, कम गैस कर रखी है, कम गैस में साबुदाना घी में थोड़ी देर पकाएंगे। आज मेरा मेरे हस्बैंड का व्रत है, नवरात्रि का 5वां दिन है। उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है आजकल, तो अभी वो आराम करेंगे थोड़ी देर, बच्चे भी इसी को खा लेंगे, फिर शाम तक कुछ नाश्ता वगैरह मैं बना लूंगी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, 10:15 बजे छुट्टी हो गई थी, पेपर था आज। अब डाल रही हूँ मैं इसमें दूध। दूध पहले से ही उबाल के रखा था, तो दूध डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। थोड़ा गैस मैं तेज कर रही हूँ क्योंकि कम गैस, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तब तक मैं थोड़ा इलायची कूट लूंगी। अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, और इधर आलू भी फ्राई हो चुके हैं हमारे। आलू निकाल दूंगी मैं, और बादाम भी डाल दूंगी। बादाम पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो बादाम पकेंगे। किशमिश को मैं लास्ट लास्ट में डालूंगी। गैस को मैंने फुल कर दिया है, फुल गैस में पकेगी साबुदाने की खीर। तो मैं आलू को एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो अब डाली मैं खीर में चीनी, और पकाएंगे, मतलब घुमाएंगे खीर को। कम गैस में पक रही है, और ये आलू फ्राई किए हुए हैं। जब साबुदाना जब ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, थोड़ा और पकाऊंगी। जब साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो समझ लो साबुदाने की खीर पक गई है, मतलब तैयार है, बन गई है।
और बहुत से लोग जैसे आलू और साबुत दाने को ना प्रेशर कुकर में सीटी लगा देते हैं, तो उसका उतना स्वाद नहीं आता है जैसे कढ़ाई में। मतलब अच्छे तरीके से बनाओ ना, थोड़ा घी में उसको थोड़ा सा वो कर लो, फ्राई मतलब भून लो, उसके बाद दूध डाल के थोड़ा सा दूध में पकाओ, तो कढ़ाई में जो स्वाद आता है वो प्रेशर कुकर में नहीं आता है, साबुदाने की खीर का स्वाद। मेरा मैथ का पेपर था कल, पहले प्रणाम बोलो। प्रणाम। आज मेरा मैथ का पेपर था यार, अमर बोलो ना। हेलो हेलो गाइस, आज मैथ का पेपर था, इंग्लिश का पेपर है। हाँ तो मैं लर्न करूंगा, बोलो। हाँ और पापा किसके लिए लाए इतने सारे बलून? आपके लिए, भाई के और आपके दोनों के हैं, ठीक है। कौन सा पेपर है? प्रणाम। हेलो गाइस नमस्कार, तो आज मेरा था संस्कृत का पेपर, इसलिए आज जल्दी छुट्टी होगी 10 बजे, और कल को है मेरा साइंस का पेपर। तो कैसी चल रही पढ़ाई? सही चल रही है। रिजल्ट बताएगा, रिपोर्ट कार्ड बताएगा, ठीक है। किशमिश, गैस मैंने बंद कर दी है, तो लास्ट में डाल रही किशमिश क्योंकि वो बहुत ज्यादा गल जाते हैं ना। बन गई हमारी साबुदाने की खीर। अब मैं सर्व कर रही हूँ। चावल हो, सिवैया हो, साबुदाना हो, तो खीर बस। तो ये देखिए साबुदाने की खीर, देख के बताना कैसी लगी। कैसी लगी बच्चों, खा के बताओ। अच्छी अच्छी लगी। यू भी आयुष कैसी लगी? अच्छी। खाओ फिर खाओ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करना ना भूले। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू बाय।